नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा निगम और आप देख रहे हैं सरकारी फार्म्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है सरकारी फार्म्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है, जैसा कि आप थंबनेल से पता कर लिए होंगे, दोस्तों CISF JD कांस्टेबल रिकमेंड फार्म 2019। दोस्तों CISF JD कांस्टेबल में वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, आपके पास सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, और दोस्तों यह जो फॉर्म भरी जा रही है कैसे भरी जाएगी, दोस्तों इस वीडियो में यही सब बताएंगे। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी नए नए फार्मों की और नए नए अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना समय गवाए। और हाँ दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं CISF JD कांस्टेबल इंपॉर्टेंट डेट्स की सबसे पहले बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो लास्ट डेट है अप्लीकेशन सबमिशन का 17 दिसंबर 2019 5 बजे तक है, और लास्ट डेट अप्लीकेशन सबमिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए 24 दिसंबर 2019 5 बजे तक रखा गया है। दोस्तों ये जो फॉर्म है ऑफलाइन मोड से भरा जा रहा है। दोस्तों आप भी इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसे ऑफलाइन मोड से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं CISF JD कांस्टेबल वैकेंसी डिटेल देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है 300 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, जिमनास्टिक, फुटबॉल, हॉकी, हैंडबॉल, जूडो, कबड्डी, शूटिंग, स्विमिंग, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेस्टिंग, थिकवंडो। दोस्तों इस पद पर आपको वैकेंसी निकाली गई है, जैसा कि मैं आपको बताया है। तो दोस्तों यहां से देख सकते हैं सैलरी कितनी आपकी दी जाएगी, तो आप यहां से देख सकते हैं दोस्तों आपकी सैलरी 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये प्रति मंथ आपकी सैलरी दी जाएगी। और यहां पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी CISF JD कांस्टेबल की फार्म को अप्लाई करने के लिए, तो आपके पास 12th सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आप 12 पास होना चाहिए एक मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या मान्यता प्राप्त बोर्ड से, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल इन गेम स्पोर्ट एंड एथलेटिक्स। दोस्तों आपके पास ये सब डिग्री होने चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेट से, नेशनल, इंटरनेशनल गेम में और स्पोर्ट और एथलेटिक्स का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में 12 पास आपको होना चाहिए। इंडिविजुअल इवेंट देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं शुड हैव रिप्रेजेंटेड द कंट्री एज अ मेंबर ऑफ सीनियर जूनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट ड्यूरिंग द लास्ट एडिशन या शुड हैव अ मेडल विनिंग परफॉर्मेंस इन सीनियर जूनियर नेशनल गेम्स चैंपियनशिप ड्यूरिंग द लास्ट एडिशन या शुड हैव रिप्रेजेंटेड अ स्टेट या रिवलेंट यूनिट इन नेशनल गेम नेशनल चैंपियनशिप इन सीनियर जूनियर लेवल ड्यूरिंग द लास्ट एडिशन और एनी मेडल इन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप ड्यूरिंग द लास्ट एडिशन या गोल्ड मेडल इन नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप ड्यूरिंग द लास्ट एडिशन। दोस्तों आपके पास ये आप इवेंट में जीते होंगे, यानी गोल्ड मेडल किसी भी नेशनल, स्टेट, इंटरनेशनल या अपने स्कूल में आप मेडल को जीते होंगे तो भी इस फार्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों टीम इवेंट आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, एज लिमिट आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 वर्ष मांगी जा रही है और मैक्सिमम 23 वर्ष तक मांगी जा रही है इस फार्म को अप्लाई करने के लिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगी CISF JD कांस्टेबल में, तो देखिए जो सिलेक्शन क्या होगी, किस तरह आपका सिलेक्शन किया जाएगा CISF JD में, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपकी ट्रायल टेस्ट होगी स्पोर्ट में, स्पोर्ट इवेंट्स में, फिर प्रोफेंसी टेस्ट होगी, फिर फाइनल सिलेक्शन मेरिट के थ्रू होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई टू फॉर CISF JD कांस्टेबल जॉब 2019। आप 17 दिसंबर 2019 से इस फॉर्म को
अप्लाई कर सकते हैं ऑफलाइन मोड से और शाम 5 बजे तक आप इसको छोड़ सकते हैं, यानी 17 तारीख को लास्ट डेट है शाम 5 बजे तक फार्म को छोड़ने के लिए। तो देखिए दोस्तों, ऑफलाइन फार्मेट और आपके सेल वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ से आइए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक PDF डाउनलोड, जैसे कि देखिए डाउनलोड हो चुका है। दोस्तों चलिए बता देते हैं कि कौन सा फार्म होगा इस फार्म को अप्लाई करने के लिए। दोस्तों आप यहां से नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं, तो दोस्तों आप यहां से सारी जानकारी ले सकते हैं नोटिफिकेशन के जरिए। और आपको बता देते हैं कि कौन सा फार्म आपको अप्लाई कर रहे थे, नीचे आइए नीचे आइए। और चलिए नीचे 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 देखिए दोस्तों, जो ये पेज है दोस्तों आप इस पेज को देख सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर रिकमेंड ऑफ मेटेरियल स्पोर्ट्समैन इन CISF। दोस्तों इस फॉर्म को आपको निकाल लेना है, जैसा कि देख सकते हैं 2 पेज में यह फॉर्म दिया गया है, 10 और 11 पेज में आपका जो फॉर्म है आप इसे निकाल कर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताएं कि जो सर्टिफिकेट 12th मांगी जा रही है और आपके पास स्पोर्ट में जो बताएं वो आपके पास होना चाहिए, वो भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि अगली वीडियो में मैं लेकर आऊँगा कि ये सब GD कांस्टेबल स्पोर्ट्समैन की फार्म को कैसे अप्लाई करते हैं, सारी दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका 1 लाइक मुझे मोटिवेट करता है, मुझे साहस करता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों चलिए अगली वीडियो आएंगे CISF GD कांस्टेबल की फार्म को कैसे अप्लाई करते हैं आप। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।